सो दैट इज आज था ट्यूजडे, फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। अब कहीं ना कहीं हम लोगों ने कल के एनालिसिस में डिस्कस कर लिया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रेड करने के लिए, बट फॉर्चुनेटली मार्केट ने एक अच्छा खासा डिप लगाया। टेलीग्राम पे हम लोगों ने डिप वाले लेवल्स को मार्क करके रखा था, मार्केट ऑलमोस्ट उस लेवल्स के आसपास आया, थोड़ा बहुत वहां पर अपने को प्रेशर दिखा, बट कहीं ना कहीं अच्छा खासा रिकवर करते हुए थोड़ी बहुत बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली और जिसपे ग्रैब करने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बन जाती है। अब कल है वेडनेसडे, बैंक निफ्टी की वीकली होने वाली एक्सपायरी, तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, अब क्या मार्केट यहां से अगेन अपसाइड मोमेंटम कर सकता है, डाउनसाइड मोमेंटम कर सकता है, चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो डू सब्सक्राइब टू वीपी फाइनेंशियल। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आज का जो मॉर्निंग वाला टाइम था क्या, उसको कैसे हम लोग यहाँ पर चीजें डिस्कस कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। मॉर्निंग में मार्केट गैप अप खुला, अब गैप अप खुलते ही कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरा तो मूड ऑफ हो चुका था, अब गैप अप खुला कब भी टर्न अराउंड कर सकता है, बट फिर मार्केट ने एक अच्छी मोमेंटम दिखाया, बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची ड्रॉ किया, तो ये जो लेवल निकल के आ रहा था 20,760 और बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ पर देखें 46,820 और फिन निफ्टी में हम देखें तो 21,010, तो मुझे जैसे ही तो मैंने टेलीग्राम के ऊपर यहां पर अपडेट कर दिया कि बॉस दीज आर द सपोर्ट लेवल्स जहां पर हम डिब्बा एंट्री कर सकते हैं। मार्केट ने यहां पर क्या किया, मार्केट ऑलवेज हमेशा स्मार्ट है, सुप्रीम हमेशा मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा ना आपको टेस्ट करने की कोशिश करता है। मार्केट ने यहां पर इंस्टीड ऑफ 23.6% थोड़ा सा और नीचे 38 पे टच नहीं किया, थोड़ा सा और नीचे मतलब 20,731 का लो लगाया, वहां से मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी यहां पर की। मार्केट ने मेक श्योर किया कि हर किसी को डर जाए और कोई एंट्री नहीं करता, और यहां पर फिर क्या हुआ, एग्जैक्टली लगभग जो हमारा लेवल था उसी का बॉटम लगाने के बाद मार्केट को खींचा गया, बट फिर बाद में एक अगेन एक रेड कैंडल बनाते हुए हल्का फुल्का 70-80 पॉइंट नीचे डिप लगाते हुए फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ कोशिश किया। फिर निफ्टी बहुत बढ़िया तरीके से चला 23.6%, ये कोई मेरे घर के लेवल्स नहीं है जो मेरे को भगवान आके बता के गया, नहीं, दिस इज जस्ट अ सिंपली फिबोनाची नंबर्स जहां पर मार्केट रिस्पेक्ट करता है। बॉटम से लेकर टॉप तक मैंने फिबोनाची लगाया तो यहां पर हम लोगों का सपोर्ट लेवल आता था 21,010 और मार्केट ने यहां पर समवॉट लो लगाया तकरीबन 20,985 के आसपास, उसके बाद आज एक्सपायरी थी तो कहीं ना कहीं ज्यादा मोमेंटम इसने नहीं किया। ओके, तो अब कल बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी होने वाले, तो हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी फर्स्ट। अब निफ्टी में क्या सिचुएशन है यहां पर हम एक बार देख लेते हैं। देखो निफ्टी में अगर लेट्स से अगेन अगर कल के दिन पे गैप अप खुलता है मार्केट तो फिर चीजें थोड़ी बहुत खराब हो जाएगी। हल्का फुल्का गैप अप खुलता है, फ्लैट ओपनिंग के बाद हल्का फुल्का ऊपर जाता है तो दैट डजंट मैटर, बट अगर अच्छा खासा गैप अप जैसा ये अच्छा खासा गैप अप खुला, ये अच्छा खासा गैप अप अगर ऐसा कल हो जाता है इन केस, तो अगेन कल का दिन थोड़ा बहुत खराब होने वाला है। एक सिंपल सा फंडा मैंने कल के वीडियो में बता दिया कि ऊपर के रेजिस्टेंस तब तक नहीं है तब तक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हो सकता है यहां से और 1,000 पॉइंट ऊपर चला जाए, हो सकता है गैप अप खुलने के बाद 300-500 पॉइंट नीचे की तरफ गिर जाए, तो किसी को नहीं पता। हल्का फुल्का गैप अप या फ्लैट ओपनिंग होती है तो अब तब ये ट्रेडेबल मार्केट है जिसके ऊपर हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ अपना पैसा यहां पर लगा सकते हैं। तो उस थिंकिंग से यहां पर मैं एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करता हूं, ये ठीक है, नाउ दिस इज द मेजर सपोर्ट जहां से अगर हम यहां पर देखते हैं 20,730। Now, let's say कल फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो इसका जो रीसेंट सपोर्ट आके बैठा हुआ है वो बैठा हुआ यहां इस लेवल्स के आसपास, मतलब ये ब्रेकआउट क्या है, ये ब्रेकआउट हो जाएगा फेल और ये सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक करता है, ये सपोर्ट लेवल कौन सा है, ये सपोर्ट लेवल है 20,785 का, 20,785 वाला लेवल है ये, इसको ब्रेक करता है तो हम यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट एज एन टारगेट और सपोर्ट जिस हिसाब से आप यहां पर उम्मीद लगा सकते हो। अब यहां पर अगर लेट्स से कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया या फ्लैट खुलने के बाद हम लोगों का ये एंट्री होने के बाद ये अचीव हो गया और इसको भी ब्रेक कर देता है तो इसके बाद जाके सपोर्ट लेवल आके बैठता है ये वाला जोन, दैट इज 20,590 वाला लेवल। सिंपल सा फंडा है, एकदम क्लैरिटी रखनी है अपने को कल ट्रेडिंग करने के लिए। बहुत बड़ा गैप अप खुला, थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे, देखते फिर थर्सडे के दिन पे निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी तो तब हम उसको देखा जाएगा। अगर नहीं फ्लैट ओपनिंग हल्का फुल्का गैप अप खुलता है उसके बाद मार्केट नीचे आता है और यहां पर 20,785 को ब्रेक करता है तो 15-20 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना, क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल टेस्टेड है। ये जो सपोर्ट लेवल देखो, ये ब्रेकआउट हुआ कल फ्लैट खुला, अब यहां पर अगर इस लेवल्स को ब्रेक करता है मतलब यहां पे लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं फिर मार्केट एक ये बॉटम वाला टेस्ट करने की हाई प्रोबेबिलिटी, तो इसलिए 15-20 पॉइंट का मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस स्पॉट का, मैंने बहुत बार बताया जो भी मैं इधर 15-20 पॉइंट 50-60-70 पॉइंट जो भी बोलता हूं मैं, ये स्पॉट के हिसाब से होता है। सिर्फ मंथली जो एक्सपायरी होती है उस पर फ्यूचर्स के हिसाब से प्लान करना होता है, बाकी की जो वीकली एक्सपायरीज होती है हमेशा फोकस ऑन स्पॉट चार्ट। ओके, तो यहां पर अपने को 20,785 के निकलता है तो हम लोग यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट एज एन 20,730, उसको ब्रेक कर देता है और सस्टेन होने लगता है तो यहां से फिर जर्नी हम लोग की स्टार्ट हो सकती है 20,590 वाले लेवल्स की। सिंपल बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में देखो ना थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा है, क्यों, मैं यहां पर आपको सिंपल सा समझाता हूं। देखो बैंक निफ्टी में ना एक प्रॉपरली यहां पर एक एंगल बना हुआ है,
दिस इज द एंगल. अब लेट से कल फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप या थोड़ा बहुत नीचे ऐसा आता है और ये सपोर्ट लेवल और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है. अब ये कौन सा लेवल है? 46,880 वाला लेवल है, ठीक है, 46,880 वाला लेवल है. इसके नीचे निकलता है तो हम लोगों का फर्स्ट सपोर्ट लेवल आके बैठता है, दैट इज 46,730. ओके, अब अगर 46,730 को ब्रेक करता है तो उसके बाद बैंक निफ्टी का डायरेक्टली नीचे और मेजर सपोर्ट मैं कहूंगा वो बैठता है यहां, दैट इज 46,340 वाला लेवल. ये मेजर सपोर्ट क्यों है? ऐसा यहां पर क्या है जो मैं मेजर सपोर्ट इसको बोल रहा हूं? तो देखो यहां पर दो रीजंस हैं जो यहां पर आपको समझना पड़ेगा. एक, जहां से ये बड़ी रैली स्टार्ट हुई है, मतलब एकदम हाई कन्वेक्शन वाली रैली यहां पर अपने को दिख रही है, वो स्टार्ट हुई है तो उसका इस जोन के आसपास, मैंने यहां पर लेवल क्या बताया, 46,340 वाला लेवल, मतलब ये हो गया हमारा 50%. दूसरा, अगर मैं थोड़ा सा आपको अवर्ली चार्ट पे लेके जाऊं ताकि आप चीजें समझ पाओ, तो यहां देखो ये अगर मैं एक जोन मार्क करता हूं ये वाला, ओके, यहां पर तो ये प्रीवियस टॉप था, यहां रिजेक्शन था, यहां रिजेक्शन था, अब मार्केट इस जोन के आसपास, मतलब अगेन 46,340 वाला लेवल, इससे ब्रेकआउट दिया, दोबारा इस लेवल्स के आसपास अगर आता है तो एक अपने को बाउंस बैक देखने की प्रोबेबिलिटी यहां पर बढ़ जाएगी कि चलो मार्केट एकदम ऐसा जिपलाइन की तरह ऊपर गया, एकदम रिट्रेस किया और फिर अगेन मार्केट यहां पर एक अच्छा खासा बाउंस बैक कर सकता है. तो इसलिए यहां पर हमने क्या डिस्कस किया, दो चीजें डिस्कस की हमने. बाइंग के हिसाब से तो देखो कुछ यहां पर लॉजिक बैठता नहीं है. बाइंग अगर हम लोग यहां पर प्लान करते भी हैं तो किस हिसाब से कर सकते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं. यहां पर पहले मैं क्विकली ड्रॉ कर दूं, कल हम लोगों का फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपन होता है और 46,880 को ब्रेक करता है तो हम यहां पर प्लान कर सकते हैं. फर्स्ट हम लोगों का स्टॉप बैठता है, दैट इज 46,730, ठीक है. अब इस जोन के बाद लेट्स से मैं यहां पर आपको एग्जांपल देता हूं. लेट्स से कल मार्केट हमारा एक सेलिंग ट्रेड मिला, 46,730 वाला लेवल जो है यहां पर उसने अचीव कर दिया. अब यहां पर कैसे आना ट्रेडर्स, देखो उसने इस जोन को ना ऑलरेडी बहुत बार रिस्पेक्ट दे दिया, मतलब यहां पर एक आया फिर यहां पर डिप दिया, अब दोबारा यहां आएगा ना तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो नीचे खींच सकता है ये बड़े सपोर्ट से पहले थोड़ा बहुत, अब क्योंकि 46,730 वाला लेवल उसके बाद देखेंगे तो 46,340 वाला लेवल, तो तकरीबन एक टेंटेटिव यहां पर पकड़े तो 400 पॉइंट के आसपास का गैप है, तो कहीं ना कहीं वो 50-100 पॉइंट थोड़ा बहुत नीचे जाने के बाद फिर वो अपसाइड कवर कर सकता है. तो इसलिए इस जोन के आसपास बाइंग का देखना कुछ करना कोई लॉजिकल नहीं होगा. एक हम लोगों का सिंपल सा टास्क है, ब्रेकडाउन मिलता है तो हम ये फर्स्ट टारगेट एज एन अचीव करने की कोशिश करेंगे. बाइंग कब देखना है? जब मार्केट इस जोन के आसपास आता है. इस जोन के आसपास आएगा तो मैक्स टू मैक्स 50-60 पॉइंट्स के आसपास को, जहां पर डबल बॉटम पैटर्न वगैरह बन गया, बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न वगैरह बन गया, तो हम प्लान कर सकते हैं 60 पॉइंट्स के अगेंस्ट में आराम से यहां पर अपने को 200-250 पॉइंट मिलने का चांस है. क्यों? क्योंकि दो मेजर रीजन है जो मार्केट यहां से टर्न अराउंड कर सकता है इस लेवल्स के आसपास. तो तीसरा, अपने को छोटे टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम पैटर्न वगैरह दिखेगा या बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न वगैरह दिखेगा तो अपने को एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस मिल जाएगा कि इसके नीचे अपने को नहीं रुकना. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. कल का प्लान बहुत ही सिंपल में अपने को रखना है, सेलिंग ही प्लान करना है इन केस बहुत बड़ा गैप अप वगैरह ओपन होता है या लेट से ऐसा ब्रेकआउट देता है, कल फ्लैट खुलने के बाद ऐसा ब्रेकआउट देता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है ये कहीं ना कहीं अपर जोन और ये लोअर जोन पूरा टाइम आपको मार्केट इस जोन के अंदर ही ट्रेड करते हुए दिखाएगा. क्योंकि मोमेंटम हो गया, आज गैप अप खुला, कुछ खास मोमेंटम नहीं किया इंट्राडे के अंदर, हाँ वॉलिटिलिटी थी बट मोमेंटम कुछ खास नहीं यहां पर हुआ, तो हो सकता है कि एक दिन और यहां पर टाइम पास करने के बाद फिर अपसाइड मोमेंटम या फिर डाउन साइड मोमेंटम के हिसाब से अपने को दिखा सकता है मार्केट. इन चीजों को ध्यान पे रखना, लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को. थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.